हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अपर्णा। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर यूनिट 2B। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पैलेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, आज हम लोग पैलेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो पढ़ेंगे। उसका सबसे पहले देखते हैं उसका स्टेटमेंट क्या है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैलेलोग्राम, then the resultant vector is represented in both magnitude and direction। ठीक है, ये both है, in is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through their common point। ठीक है, magnitude है यहाँ पर, ये TUDE, ठीक है, TUDE होगा यहाँ पर, ये डी जो है वो नहीं होगा यहाँ पर, डी ये टी की जगह पे डी आ जाएगा। ठीक है, ये स्पेलिंग का थोड़ा सा मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, अगर कोई दो वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर्स जो हैं जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाएगा पैलोग्राम के एडजेसेंट साइड्स में। ठीक है, ये देखिए, अगर कोई दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर, तो ये एक वेक्टर और एक ये एक वेक्टर, ठीक है, ये दो वेक्टर है जिसको एक पैलोग्राम की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो उस पैलोग्राम का डायगोनल शो करेगा। ठीक है, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैलोग्राम देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैलोग्राम पासिंग थ्रू देयर कॉमन पॉइंट। ठीक है, अब ये जो दो वेक्टर्स हैं इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो ये है आपका, इस कॉमन पॉइंट से आपका क्या क्या होगा, रिजल्टेंट जो है वो यहाँ पर से होगा, ये आपका रिजल्टेंट होगा। अगर कोई दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पैलोग्राम के दो साइड्स को, ठीक है, ये एक साइड हो गया और ये एक साइड हो गया, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको एक पूरा पैलोग्राम बना लिया है। अब इसका, इस पैलोग्राम का जो डायगोनल होगा वो ही क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट होगा। ठीक है, लेट ए एंड बी बी द टू वैक्टर्स, ठीक है, ए और बी यहाँ पर दो वैक्टर्स हैं जिसका रिजल्टेंट जो है वो आर है। ठीक है, अब पैलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर्स का यूज करते हुए, ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, एक पूरा, ये हमारे पास सिर्फ दो वैक्टर्स थे, हम लोगों ने इसको एक पूरा पैलोग्राम बना लिया है और बीच में जो डायगोनल है उसको आर रिजल्टेंट से रिप्रेजेंट किया है। अब उस पैलोग्राम में देखिए OS, ये पैलोग्राम में क्या होता है, आपका जो साइड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, अपोजिट साइड्स जो इक्वल रहते हैं, तो OP और QS जो है वो इक्वल होगा, उसी तरीके से PQ और SO भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए PQ OS क्या होगा, B वेक्टर होगा, और वहीं OP SQ होगा आपका A वेक्टर। ठीक है, अगर हम लोग प्रीवियस देखेंगे ट्राइंगल लॉ को अगर यूज करते हैं किसी भी एक ट्राइंगल में, चाहे ये वाले ट्राइंगल में हो या ये वाले ट्राइंगल में हो, देखिए ये वाला साइड, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, एक, ये वाला अगर हम लोग ट्राइंगल को यूज करते हैं तो OP और PQ जो है वो एक डायरेक्शन में है और उसका जो रिजल्टेंट है वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो या इस ट्राइंगल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइंगुलर लॉ को यूज कर सकते हैं। जब ट्राइंगुलर लॉ को यूज करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ए प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू आर वैक्टर। ठीक है, अब देखिए जो पैलोग्राम लॉ है उसका प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, ये सेम चीज आपकी लिखी हुई है, दो वेक्टर्स हैं ए और बी जिसको बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओपी और ओएस यहाँ पर दिया गया है, ओपी आपका ए वेक्टर है और ओएस क्या है आपका बी वेक्टर है। एक पैलोग्राम बनाया जा रहा है ओपी क्यूएस, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, क्यू ओ क्यू होगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका एपी ओपी वेक्टर, ये हो गया ओ एस वैक्टर। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक पैलोग्राम ड्रॉ कर लिया है ओ पी क्यू एस और रिजल्टेंट है आपका ओ क्यू। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यू से ओ पी को सबसे पहले एक्सटेंड कर दे रहे हैं और यहाँ से क्यू से एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं ओ पी में। ठीक है, तो ड्रॉप क्यू टी परपेंडिकुलर और एक्सटेंडेड ओ पी, ठीक है, इस एक्सटेंडेड ओ पी में हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर ये जो एंगल है, ये जो दोनों दोनों जो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल है वो यहाँ पर थीटा है। अब क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है आपका पैरेलल है और पैरेलल साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा आपका, थीटा होगा।
अब यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए यहाँ पर ये वाला जो एंगल लिया है उसको अल्फा सपोज किया है। अब देखते हैं, ठीक है। देखिए, अब आपका ट्रायंगल SOP और QPT क्या होगा? थीटा होगा। दोनों ही एक ही, दोनों ही क्या है आपका पैरेलल। ये देखिए, ये साइड्स आपके क्या हैं, दोनों पैरेलल हैं, इसलिए यहाँ पर का ये जो एंगल होगा वो दोनों ही आपका थीटा होगा। अब इन ट्राइंगल QTO ये वाले ट्राइंगल की बात हुई है। ये यहाँ पर से क्या बना रहा है? एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल बना रहा है। तो एक परपेंडिकुलर बना रहा है मीन्स हम लोग यहाँ पर आपका पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तीनों की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? आपका हाइपोटेनियस क्या है? OQ है, परपेंडिकुलर आपका OT है, और बी जो है वो OT स्क्वायर है, बेस जो है वो क्या है? OT स्क्वायर है। OT जो है, ये OT है, उसको हम लोग दो पार्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, OP प्लस PT। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये रिप्रेजेंट कर दिया OP प्लस PT का स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम लोग ट्राइंगल PQT में देखेंगे, PQT में देखेंगे मीन्स ये जो ट्राइंगल है, ये जो छोटा ट्राइंगल है जो हम लोगों ने एक्सटेंड करके बनाया है, उस ट्राइंगल में देखेंगे तो यहाँ साइन थीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, ये रहा साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस QT अपॉन PQ। तो अब यहाँ से हम लोग QT की वैल्यू निकालेंगे तो ये PQ यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PQ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, PQ क्या है तो B है आपका, तो B साइन थीटा। उसी तरीके से कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो PT अपॉन PQ, PT की वैल्यू निकल जाएगी PQ कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। ये बी साइन थीटा हो गया और ये बी कॉस थीटा हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन पे रख देंगे, किसकी किसकी? PT और QT की, ठीक है, PT की और QT की। अब यहाँ पर रख, ये हमारा फॉर्मूला था, फर्स्ट इक्वेशन था। OQ क्या है आपका? R है, OP जो है वो A है, और PT का वैल्यू हम लोग जो ने निकाला और जो QT की वैल्यू हम लोगों ने निकाली वो वैल्यू हम लोगों ने रख दिया। अब ये क्या हो गया आपका? ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बन गया, तो हम लोग इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ स्क्वायर हो गया है यहाँ पर, प्लस 2 इंटू AB कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB। तो यहाँ पर ए स्क्वायर ये हो गया आपका बी स्क्वायर, और ये 2 AB कॉस थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर, ये स्क्वायरिंग है तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को, इस दोनों टर्म में जो बी स्क्वायर कॉमन है वो बाहर हम लोगों ने ले लिया, तो आपका अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी जो है वो एज यूजल है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1 होती है, तो बी इंटू 1, तो क्या हो गया आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा, यहाँ पर ये आर स्क्वायर। अब ये आर अगर हम लोग को रिजल्टेंट चाहिए तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर है, इसको इक्वल की इस साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा। अब देखिए डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो हम लोगों ने जो ट्राइंगल था उसमें हम लोगों ने एंगल लिया था, एंगल QOT अल्फा एंगल लिया था। अब ट्राइंगल QOT में ही टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी आपका? टेन अल्फा, टेन थीटा का फॉर्मूला आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका QT और बेस है OT। फिर से OT जो है वो क्या हो जाएगा? दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, OP प्लस PT। अब हम लोगों ने जो प्रीवियस में QT और PT का जो वैल्यू निकाला था वो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। QT का वैल्यू बी साइन थीटा और PT का वैल्यू बी कॉस थीटा, और OP जो है वो क्या है? ए वैक्टर है। अब यहाँ पर टेन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया हमारा डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए, कुछ स्पेशल केसेस जो हैं वो यहाँ पर हैं। स्पेशल केसेस, फर्स्ट केस क्या है? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री होगी। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो हम लोग का रिजल्टेंट क्या निकलेगा? आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
टू ए बी कॉस, ये फॉर्मूले में क्या है आपका कॉस थीटा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने थीटा की जगह पे क्या रख दिया है, 0 डिग्री रख दिया है। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो है वो क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर का। अब यहाँ पर ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ये जो है वो आपका रिजल्टेंट जो है वो यहाँ पर इस केस पे, जब आपका थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी, इस केस पे आपका जो रिजल्टेंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। और डायरेक्शन, ठीक है, तो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, ठीक है, टेन अल्फा के फॉर्मूला क्या है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे हम लोगों ने 0 पुट किया, तो आंसर, क्योंकि बी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू 0, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 डिग्री। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो केस होगा उसको आपको होमवर्क में करना है। पहला, सेकेंड केस होगा थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री होगी तो आंसर क्या आएगा, थर्ड में थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तब आंसर क्या आएगा, और फोर्थ में जब ए और बी जो है, दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल हो जाएगा, उस केस पे आंसर क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, आपका इसके बाद आपकी एक और क्लास है, उसके बाद आपका जो यूनिट है, यूनिट 2B, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।